नमस्कार दोस्तों, आईटी नॉलेज हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कि अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप में से प्रिंट कैसे निकालना है। वीडियो 3 मिनट का है दोस्तों, लेकिन हम लोग का जो मेन स्टेप है 1 ही मिनट का है, तो इसको फटाफट देख लेते हैं दोस्तों। इसके लिए हमने एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक रेडीमेड फाइल बना के रखा हुआ है, तो इसी को प्रिंट करके देखते हैं। तो अगर आपको ये इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना हो कीबोर्ड से, तो आप कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो आपको ये प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। तो कुछ भी चीज़ आप प्रिंट करते हो तो पहले एक बार प्रीव्यू देख लीजिएगा। तो मैं इसको प्रीव्यू बंद कर रहा हूँ, फिर कंट्रोल F2 करके, तो ये प्रीव्यू बंद हो गया। तो चलिए इसको हम लोग प्रिंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा प्रिंटर है, HP का 1136 मल्टी प्रिंटर है। तो पहले इसको हम लोग को पावर ऑन करना होगा, तो बस मैंने ये ऑन कर दिया। इसका जो डाटा केबल है प्रिंटर का, इसको हमें USB पोर्ट में लगाना होगा। CPU का अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हो तो लैपटॉप में भी देखिए यहीं पर आपको USB पोर्ट मिलेगा, वहाँ पर इसको कनेक्ट कर देना है। इसके बाद हमें करना है प्रिंटर को ऑन। अगर आप प्रिंटर सेटअप फर्स्ट टाइम अगर आपको करना सीखना है, आपको प्रिंटर ड्राइवर कैसे लगाना है, फर्स्ट टाइम आप असेंबल कर रहे हो प्रिंटर को, तो आप यहाँ पर देखिए ऊपर में आई बटन मिल रहा होगा, वहाँ जाकर आप प्रिंटर सेटअप देख सकते हो, फर्स्ट टाइम कर रहे हो। तो आज हम लोग सिर्फ प्रिंट करना सीखेंगे। तो ये मैंने लगा लिया एक पेपर को, आप यहाँ पर अपने हिसाब से पेपर सेटअप कर लीजिए, अच्छे से लगा लीजिएगा, लास्ट तक इसको टच करना है। अब हमें आना है यहाँ पर मेन काम में, तो ऑफिस बटन में जाइए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रिंट। अगर आपको कीबोर्ड से प्रिंट निकलना है तो आप Ctrl+P भी कर सकते हो। तो ये मैंने प्रीव्यू देख लिया, तो आप Ctrl+P कर सकते हो, या तो आप ऑफिस बटन जाने के बाद प्रिंट, उसके बाद प्रिंट में क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ काम करना होगा, तो देखिए आपको पेज रेंज दिया है, तो यहाँ से आपको क्लिक करना है। आप ऑल इसको रख सकते हो। नंबर ऑफ पेज में आपको कितना कॉपी प्रिंट करना है वो आपको यहाँ पर लगाना है। मैंने 5 दे दिया, अगर आपको 10 चाहिए तो 10, या तो अगर आपको सिर्फ एक ही चाहिए तो आप 1 कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट आप यहाँ पर देख रहे हो नेम, प्रिंटर का नेम यहाँ पर आपको डिस्प्ले होना चाहिए। आपका हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में 2-3 प्रिंटर हो, जैसे आपका कलर प्रिंटर अलग, ठीक है, लेजर जेट अलग, आपको यहाँ पर इंक जेट अलग हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रिंटर था लेजर जेट आपका M1136, तो यहाँ पर यह रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये यहाँ पर शो होना चाहिए। उसके बाद हमें जाना है प्रॉपर्टी में। तो यहाँ जाने के बाद देखिए आपको बस यहाँ पर जो साइज दिया हुआ, देखिए ऊपर में आपको लेटर मिल रहा है ना, इसको आपको चेंज करना। आप यहाँ पर कौन सा पेपर आप यूज़ कर रहे हो, तो हमें यहाँ पर A4 ही ज़्यादातर यूज़ होता है, तो A4 लगा दिया। अगर आपको A3 है तो A3 लगाना है। तो प्रिंटर में हम लोग का A4 पेपर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका टाइप जो है हम लोग को प्लेन पेपर ही करना है, क्योंकि नॉर्मल पेपर हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हो। अगर आप कलर करते तो आपको यहाँ पर ग्लोसी वगैरह जो भी आपका साइज़ है वो आपको यहाँ पर लगाना है। बस इसमें बाकी कुछ करना नहीं है, बस एज इट इज रहेगा। तो आपको यहाँ पर देना था A4 साइज़ और आपका प्लेन शीट। उसके बाद हमें ओके करना है, मैं इसको ओके कर रहा हूँ। तो बस अभी ज़्यादा कुछ काम है नहीं, बस इसको हमें यहाँ पर ओके में क्लिक करके प्रिंट करना है। तो देखिए बस छोटा सा यहाँ पर ऑप्शन है, बस इसको हम लोग फॉलो करेंगे तो इजीली हम लोग कर पाएंगे प्रिंट। अगर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस वीडियो को अंत तक देखने दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।